प्रचंड बहुमत के बाद अब वो तारीख आने वाली है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो तारीख है 30 मई 2019। मोदी के प्रचंड जीत के साथ ये भी तय हो गया है कि इस बार का शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल अलग होने वाला है। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि आतंक को शह देने वाले देश को राजतिलक समारोह से अलग रखा जाएगा। पहले जान लीजिए शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन लोग शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, भूटान के प्रधानमंत्री लोते तशेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सुरनबे जीनबेकोग शामिल होंगे। इसके अलावा थाईलैंड में चल रही चुनावी प्रक्रिया की वजह से प्रधानमंत्री के विशेष दूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये जो मोदी जी की जो सेकेंड टर्म आएगी, इसमें आप देखेंगे वैसे भी कि इस रीजन के जो देश हैं उनके साथ भारत की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से बढ़ेंगी। पिछली बार जहां मोदी ने सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था, तो इस बार बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया। लेकिन खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है, यानी भारत के पड़ोसी देश तो आएंगे लेकिन इमरान खान नहीं आएंगे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ा दी है। शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान को न बुलाए जाने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या कहा, पहले वो जान लीजिए। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान को कोसने पर था, फिलहाल उनसे उनके धारणा में बदलाव की उम्मीद करना ना समझी होगी। अब इसे बौखलाहट न कहें तो क्या कहें, पिछले 5 साल के दौरान लाखों कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जैसे आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। नए पाकिस्तान की बात करने वाले इमरान खान उन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। तो एक तरह से तो हम पाकिस्तान को अवॉइड कर रहे हैं, डेफिनेटली इनवाइट करना इमरान खान को, बट जो ऑफिशियल रीजन, जो कारण, जो लॉजिकल बनता है, वो इस कारण है कि हम लुक ईस्ट में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देख, साल 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान सरहद पार से हुई नापाक हरकतों ने सारी हदों को पार कर दिया, जिसने भारत के सब्र के बांध को तोड़ डाले, जिसका नतीजा हुआ बालाकोट में एयर स्ट्राइक। तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा देता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के इस कदम को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। डेफिनेटली यस, देखिए भारत अब क्या प्रयास करेगा और कर रहा है कि जो हमारे अलग अलग रिश्ते बन सकते हैं जिन जिन देशों से, जिनमें हम पाकिस्तान को एक अलग साइड रखें ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ता रहे। शपथ ग्रहण समारोह के मेहमानों में पाकिस्तान को शामिल न करके साफ संदेश दे दिया है, गोली और बोली एक साथ संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।